Hello guys, welcome to the channel, and today we are going to start the complex number and with the part 52 because channel pe already complex number ke 51 parts available hain aur is complex number mein bhi same work karne ja rahe hain ki hum previous year's questions lenge 2010 se 2020 tak ke. To ye jo segment hai 2010 से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि लेटेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाए और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा फिलफिल हो जाएगा इसमें. ठीक है, सो वी आर टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स अप टू 20 और कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज गोइंग टू द पार्ट 52 गाइज. सो ऑलरेडी 51 पार्ट्स आर अवेलेबल और ध्यान रखिए पूरे चैनल पे सारे पार्ट अब पब्लिक है. द ऑल द कंप्लीट मटेरियल फॉर द आईआईटी जेई क्लास 11th एंड 12th दैट इज फ्री एंड कंप्लीट. एवरीथिंग इज पब्लिक. इवन आई हैव प्लेस द थ्योरी कंटेंट सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद द सॉल्यूशन राइट. सो ये सारी चीजें भी अवेलेबल है. तो कम टू द क्वेश्चंस गाइस. And this is going to the part 52. Part 52 है ये, right? So particular question IIT JEE 2011 में पूछा हुआ. The maximum value of argument of 1/(1-z) और फिर इस पे mod लग रहा है. Where for the mod of z equals to 1. So this is given that mod of z equals to 1, but z is not equals to 1. z अगर यहाँ 1 हो गया तो ये तो उसको अनडिफाइंड कंडीशन में ले जाएगा. तो ये कंडीशन तो उसको डेफिनेट प्लेस करनी थी और हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस नंबर राइट. एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 राइट. तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे और मेरे ख्याल से ये फिल इन द ब्लैंक्स का था क्वेश्चन या किस तरह का था, बट दिस क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस. तो ठीक है इसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो यू हैव टू टेक द बिकॉज लेट यहाँ पे कुछ भी लेट कर लेंगे. लेट दिस इज द यू, ये पर्टिकुलर पार्ट जिसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, जिसका एंगल निकालना है और एंगल भी मॉड में हो रहा है. इट मींस पॉजिटिव एंगल ऑफ दिस नंबर 1/(1-z). तो लेट हम यू कर लेंगे 1/(1-z) राइट. अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि इसने गिवन है, इसने दिया हुआ, इसको जेड को हम निकाल लेते हैं. This implies that 1-z equals to 1/u. ऐसा आप कर सकते हैं. And you have to find out the z mod z. So that z equals to 1-1/(u) equals to z. इसको हम इधर लेंगे, right hand side में इसको इधर लेंगे, ठीक है. And taking mod both side. So mod z equals to this is 1-1/(u) का modulus. ये भी आप कर सकते हो. अब इस चीज को हम use करेंगे जो कि 1 दे रखी है. And this implies that we have to use this one as a 1. 1 equals to 1-1/(u) ka modulus. ठीक है, यहाँ पे modulus को आप solve कर लीजिए. This is u minus 1/(u) modulus equals to 1. Modulus separate भी हो सकता है. u minus 1 का modulus equals to जो modulus of u है इसको हम ऊपर ले जाएंगे. ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं. अब बस यहीं पे एक जजमेंट लेनी है बिकॉज ये जो कंडीशन बन रही है गाइस, इसको आप देखिए. ये आप रियल एक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो यू है हमने लेट किया है, इसकी पोजीशन ये आ रही है कि यू माइनस 1 मॉडुलस इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ यू माइनस 0 कर सकते हैं. तो ये बाइसेक्टर बनता है इस तरह का. आपका ये ओरिजिन है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पे ही है. दिस इज ऑन द रियल एक्सिस. रियल एक्सिस पे 0 और 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये वाली जो चीज है यू वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे, तभी ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि ये इसका एक बाइसेक्टर बना रहा है. एंड यू कैन बी, यू की जो पोजीशन है यहाँ पे भी हो सकती है. इट कैन बी ऑन दिस बाइसेक्टर. दिस यू कैन लाई ऑन साइड बाइसेक्टर, ऑन साइड बाइसेक्टर ऑफ 0 और 1. 0 और 1 के साइड बाइसेक्टर पे कहीं पे भी लाई कर सकता है. अगर मान लीजिए यहाँ u यहाँ पे भी प्लेस कर देंगे तो भी आपका उसका जो लेंथ है वो इक्वल होगा.
तो एक तरह से ये डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब देखिए, अब आपको ये कंडीशन जजमेंट लेनी है कि ये यू कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम तो ये ऊपर ही जाएगा, मैक्सिमम ऊपर ऊपर उस ऊपर लेंगे, और मान लीजिए ये 0 1 है और इसको मैं एक्सटेंड करते हुए इतना उसको हाइट पे ले जाऊंगा कि कंडीशन इसकी होगी व्हेन इट विल गो अप टू इन्फिनिटी, ये जब अप टू इन्फाइनिट पे जाएगा तो उस केस में इनके बीच में जो एंगल है इसका आर्ग्यूमेंट, इसने क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/(1-z), इसका एंगल कितना होगा, ठीक है। सो इट विल अटेंड द मैक्सिमम एंगल टू द पाई बाई टू, पाई बाई टू होगा लेकिन वो अटेंड नहीं करेगा बिकॉज जैसे ये इन्फाइनिट की तरफ रीच करेगा गाइस तो इसका एंगल बढ़ता जाएगा एंड दिस एंगल विल बी द लेस देन पाई बाई टू बट नॉट नॉट अटेनिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ यू इक्वल्स टू पाई बाई टू, पाई बाई टू अटेंड नहीं करेगा बट इट विल बी लेस देन दैट, राइट। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स था या जिस तरह भाई क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट लगाना है और उस पर मॉड्यूलस लगाना है उसका, इसका यू का, ठीक है। सो दैट इज द लेस देन पाई बाई टू, सो वी कैन से जिस तरह से आंसर इसने पूछा है मैक्सिमम is pi by 2, right, but not attaining, लेकिन ये इसमें ले नहीं रहा है, ये उसकी वैल्यू एग्जैक्टली पाई बाई टू नहीं आएगी, लेस देन पाई बाई टू आएगी, ये लिख सकते हैं हम जो इसने कंडीशन बोली है आर्ग्यूमेंट ऑफ यू जो लेट कर लिया था और उसका मॉड है, सो दैट इज लेस देन पाई बाई टू बट नॉट इक्वल्स टू पाई बाई टू, ये आंसर जैसे भी मतलब अब ठीक है हमारे लिए एक क्वेश्चन है और उसको समझनी थी बात को, ठीक है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इसको लेस देन पाई बाई टू उसमें करना है, ये लिख सकते हो आप। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं द सेट, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी 2011 का है, फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हो आप, आईटीजे 2011 का। तो द सेट सेट रियल पार्ट ऑफ टू आइटा जेड अपॉन 1-z² सच दैट जेड इज इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी गिवन है, राइट, एंड मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स टू 1, जेड इक्वल्स टू +-1, सो वो ठीक है, लेकिन हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब लेट करेंगे इन जनरल तो जेड को हम ऐसा लेट कर लेंगे, लेट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये हमने लेट किया, ठीक है। सो रियल पार्ट ऑफ दिस एंड जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये पूरा जब लेट करेंगे रियल पार्ट ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उसके रियल पार्ट को देखने के लिए एंड देन राइट, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट, सो इसको कोई भी कुछ कैपिटल जेड वगैरह लेट कर लो यहाँ पे, ठीक है ना, या कुछ भी जेड वन कर देता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। और ये जो पोर्शन दिया हुआ है टू आइटा जेड, और यहाँ जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई प्लस कर देंगे गाइस, 1-z², जेड स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वायर आएगा, राइट। सो इसको 2x² -1 -2y आ जाएगा एंड कम टू दिस पॉइंट 1-, और यहाँ एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है गाइज, एंड प्लस का 2xy, ये आप इस तरह से लिखते हो। अच्छा, मॉड जेड भी 1 है, सो इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसका यूटिलाइजेशन देखेंगे कहाँ यूज हो रहा है, तो 2xi(-2y) डिवाइडेड बाय 1-x² प्लस वाई स्क्वायर -2xy(i), यहाँ तक लिखा जा सकता है, ठीक है। 1-x² को एक काम करता हूँ मैं, 1-x² को y स्क्वायर लिख देता हूँ, 2xi माइनस का 2y, ठीक है। 1-x² जब y स्क्वायर होगा तो 2y² हो जाएगा गाइस, माइनस का 2xy(i), और यहाँ थोड़ा हम क्लेरिफाई कर लेते हैं कि कितना इसमें से कॉमन वगैरह निकाल सकते हैं, राइट। तो दिस इज 2xi, हाँ वो तो ठीक है, ओके गाइस।
सो वी कैन कैंसिल द टू हियर, तो ये वैल्यू हो जाएगी टू अगर कैंसिल करेंगे, टेक आउट द टू कॉमन फर्स्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वी कैन कट द टू ऑल्सो, सो दिस इज द एक्स आइटा माइनस फाइव, टू इज कैंसल्ड एंड फ्रॉम दिस वी कैन टेक आउट द, अभी टू हटा देते हैं बाद में देखते हैं, तो दिस इज द माइनस का एक्स वाई आइटा, ठीक है, ये पोजीशन बन रही गाइस एंड दिस इज द जेड वन, अच्छा जेड वन इक्वल्स जो हमने लेट किया है यहाँ पे हो जाएगा जेड, जेड जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट सच दैट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट मी चेक, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, सो दिस इज द एक्स आइटा माइनस वाई अपॉन एक y हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे y, ये भी z ही है, दिस इज ऑल्सो z, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर राइट, सो जो भी नंबर है z, बिकॉज ही सेइंग सच दैट z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका उसको वर्कआउट करना है, तो यहाँ पे एक y कॉमन ले लेंगे, y माइनस x आइटा, और यहाँ पे भी देखिए आपकी ये जो वैल्यू है x आइटा माइनस वाई है, तो अगर इसको मुझे कट करना है तो कट हो जाएगा, बट माइनस वन अपॉन वाई आएगा, दिस विल बी माइनस वन एंड दिस इज द z गाइस, इसको आप z ही लेंगे, सिंपली z ही कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है, अब इसकी बात हम ये लिखते हैं कि जो इसकी रेंज है वो रेंज जा रही है मैक्सिमम प्लस माइनस वन तक, बिकॉज मॉड z इक्वल्स टू वन, सो मैक्सिमम प्लस माइनस वन तक जा रही है, और उसके थ्रू हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वी रिक्वायर द रियल पार्ट ऑफ दिस z, वी रिक्वायर द रियल पार्ट ऑफ दिस वन, ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो अल्टीमेटली यही आ गया है ना, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम जा रही है आपकी प्लस माइनस वन के बीच में, सो यू कैन राइट द माइनस वन अपॉन वाई इज लाइंग बिटवीन माइनस वन टू वन के बीच में, ये इसका ये रियल पार्ट ही रियल ही है, बिकॉज अगर आप जेड को लिखते हो एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसमें जो इंडिविजुअल वाई होता है वो रियल ही होता है, ठीक है ना, सो यू कैन राइट द माइनस वन इज लेस देन माइनस वन अपॉन वाई और माइनस वन अपॉन वाई इज लेस देन वन, ऐसा लिख सकते हैं, और अगर यहाँ से मैं माइनस अगर कैंसिल करूँगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, और रेसिप्रोकेट अगर हम करेंगे तो भी चेंज होगा, तो इस तरह से हो जाएगा, और यू कैन राइट द y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन एंड, और अगर यहाँ पे हम चलाते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन अपॉन y इज ग्रेटर देन माइनस वन, यू कैन राइट एंड इफ यू उसको अगर हम सिंपली अगर इसको इंटरचेंज कर देते हैं, रेसिप्रोकेट करेंगे, तो दैट विल बी द y इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन राइट, तो y की वैल्यू जो पूछी थी इसने, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर, रियल पार्ट जो होगा, सो रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर टू आइटा z अपॉन वन माइनस जेड स्क्वायर, तो के लिए हम ये लिख सकते हैं कि दैट बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू माइनस माइनस वन से स्मॉलर माइनस इनफाइनिट टू माइनस वन यूनियन एंड दिस इज फ्रॉम वन टू इनफिनिटी, ये लिखा जा सकता है बिकॉज ये रियल आया था, इसका ये पार्ट रियल आया था, और उसी की अब वो जो चीज कंडीशन मिलके आई है हमें रेंज के फॉर्म में मिला है, तो उसको रेंज को इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई आई टी जे 2012 का, और ये बोल रहा है कि लेट z बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज अ नॉन जीरो, तो उसको z कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x प्लस आइटा वाई एंड इट मीन्स दिस पार्ट इज अ नॉन जीरो नंबर राइट, सो इट इज गिवन दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज अ नॉन जीरो नंबर एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन की जो a दे रखा है a इक्वल टू z स्क्वायर प्लस z प्लस वन, ये गिवन है, इज रियल, दिस इज रियल, ये वैल्यू के लिए बोल रहा है रियल है, जबकि जो ए की जो वैल्यू है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसके इमेजिनरी रूट्स आते हैं जेड के, ठीक है ना, सो देन ए
cannot take the value, तो a कौन सी value नहीं ले सकता, right? तो इस तरह की condition दे रखा है। अब एक काम करेंगे हम इसको कि अगर हम quadratic बना दें इसको z square plus z plus 1 और इसको भी उधर ले लो minus a equal to 0। Now अगर इसके real roots नहीं होंगे, right? तो he saying this is real, तो ये contradictory statement हो गया। Now for D's discriminant इसका हम लिख देते हैं negative, has no real roots, तो इसके कोई real roots इस केस में नहीं आएंगे guys, ये condition लग attach हो जाएगी because ये real बोल रहा है और हमने condition इसमें contradictory statement ये ले लिया कि अगर D negative हुआ, अगर D negative हुआ तो फिर इसमें कोई भी real roots नहीं आएंगे because it is a quadratic in Z, right? तो उसको लिखेंगे b square, b square means ये coefficient Z का है, so b square means 1 minus 4 a is 1 here और c की value 1 minus a है and that is negative, right? So you can write the 1 minus 4 plus 4a is negative और you can write the 4a, this is minus 3 less than 3 और can write the a is less than 3 by 4. तो जो a की वैल्यू है वो लेस देन 3 बाय 4 रहेगी इस केस में, ठीक है? और हमारे पास में जो वैल्यू है तो हमें कंडीशन जो लिखनी थी यहां पे कि व्हिच वन इज राइट, सो d ऑप्शन इज राइट, सो बिकॉज़ a कैन नॉट टेक द वैल्यू 3 बाय 4 और बाकी सारी वैल्यूज को देख लीजिए ये 3 बाय 4 से स्मॉलर ही है, सो d इज द परफेक्ट राइट आंसर बिकॉज़ दिस इज 1 बाय 2 1 बाय 3 माइनस 1, ये सारे नंबर तो इनसे छोटे ही छोटे हैं, ठीक है? अगर आपको सिंगल करेक्ट में अगर एक लिखना है सो यू हैव टू राइट डाउन द डी ऑप्शन टू बी द करेक्ट बिकॉज़ ए वी आर गेटिंग द कंडीशन ए इज लेस देन 3/4, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 का है, राइट? और इस समय में ऐसे क्वेश्चंस आते थे जो कि स्लाइटली टीडीएस भी होते थे, स्लाइटली मींस क्वेश्चन को हैंडल करना मींस उसमें कैलकुलेशन थी, जिसको बोलते हैं ना मैथ्स का एक टफ कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व होती थी, तो इस तरह के क्वेश्चंस ही है। सो लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, यहां पे ये अल्फा बार है गाइस, दिस इज द 1 बाय अल्फा बार, सो दिस इज द अल्फा बार, सो 1 बाय अल्फा अल्फा बार, सो लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा बार lie on the circles x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square equals to r square, so this is the circle and the second circle is x minus x0 square plus y minus y0 square equals to 4r square, तो ये दो circles अगर दे रखे हैं तो खाली इसमें एक ही बात है कि खाली एक की radius r है और दूसरे की radius 2r है, ये 2r का whole square बन जाएगा, ठीक है ना? respectively if z0 equals to x0 plus iota y0 that satisfies the equation, that satisfies this equation, then modulus of alpha equals to, तो ये निकालना था, slightly lengthy पड़ेगा, देखिए किस तरह से handle करेंगे, पहले दोनों circles में जो circles हैं, और ये जो complex numbers हैं, they lie on the this circle and this circle, correspondingly, so first circle पे, इस पे alpha ये lie करता है, 1 by alpha bar, second circle पे lie करता है, और फिर ये जो है that satisfies this equation, इसको satisfy करता है, तो आपको ultimately modulus of alpha का value निकालना, ठीक है ना? तो क्या हम इस circle को उसकी और भी हम complex form में जैसा लिखते हैं, so z minus z0, z minus z0 लिख सकते हैं, because this z0 is x0 plus iota y0, so this is the modulus of that equals to r, first circle simplified form में ऐसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो सर्कल लिखते हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं इसको, सेकंड सर्कल हो जाएगा हमारा z - z0, सो दैट इज इक्वल्स टू 2r, इसकी रेडियस 2r है, सो लेट्स से 2r, राइट? इस फॉर्म में लिखेंगे रेस्पेक्टिवली, राइट? इफ अल्फा, और इस सर्कल पे ये जो अल्फा है कॉम्प्लेक्स नंबर दैट लाइज ऑन द फर्स्ट अल्फा और सेकंड पे 1 बाय अल्फा बार लाई करता है, तो ये दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट? सो हम इसको ऐसा लिख लेंगे अल्फा माइनस z0 इक्वल्स टू r, तो इसमें जो जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पे इससे प्लेस करेंगे, लेट्स से दिस इज द इक्वेशन 1 एंड
after placing this one 1 by alpha bar minus z0, right? And this is equal to 2r, this is the second circle, right? ऐसा लिख देंगे. अब हमें एक काम करना है कि जहां 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस z0 स्क्वायर है, दैट इज वो हम लिख पाएंगे r स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल, ठीक है. लेकिन एक काम करते हैं कि इनको हम स्क्वायर कर लेते हैं. तो अल्फा माइनस z0 का स्क्वायर जब आप करोगे तो दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर, लेट्स से थर्ड इक्वेशन, एंड दिस से द फोर्थ इक्वेशन, 1 बाय अल्फा बार माइनस z0, इस वैल्यू का स्क्वायर लिखोगे तो दैट इज द 4r स्क्वायर, लेट्स से फोर्थ इक्वेशन, ठीक है. अब इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट तो 4r स्क्वायर इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट. तो देखिए इसको हम किस तरह से लिख पाएंगे, और इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले बिफोर सब्ट्रैक्टिंग. अभी थर्ड नंबर एज इट इज रखते हैं और इसको हम थोड़ा सा और वर्कआउट कर लेते हैं. सो कैन वी राइट डाउन द अल्फा माइनस जेड जीरो होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दिस इज द रियल थर्ड वन, एंड वन माइनस यहाँ पे आएगा अल्फा बार जेड जीरो, अल्फा बाय जेड जीरो होल स्क्वायर, और नीचे जो एलसीएम लिया था एलसीएम इधर शिफ्ट हो जाएगा अल्फा बार, राइट. सो वी कैन राइट द 4r स्क्वायर, और अल्फा बार के मॉड का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, ठीक है. तो ये तो हम यहाँ पे अल्फा बार हटा देंगे इसमें. अब देखिए जो एम है हमारा वो ये है कि मॉडुलस ऑफ अल्फा की वैल्यू आ जाए. तो इसको तो मैं तुरंत एक काम करूँगा कि अल्फा बार का स्क्वायर हो या फिर अल्फा का स्क्वायर है, मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, बोथ आर सेम, राइट. तो इसको मैं इससे शिफ्ट करने वाला हूँ और इसमें माइनस कर दूंगा, राइट. फिर हम देखते हैं क्या. सो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे, ओके. वी हैव द नेक्स्ट पेज ऑल्सो. सो 1 माइनस अल्फा बार जेड जीरो होल स्क्वायर माइनस जैसे अल्फा माइनस जेड जीरो स्क्वायर. तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर कॉमन लेते हुए दिस इज 4 टाइम्स ऑफ अल्फा मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस 1 लिख देता हूँ, ठीक है. ये हमने एक काम कर दिया, और यहाँ पे हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे. तो मॉडुलस में आपको बताया कि होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है. अगर जेड वन माइनस जेड टू का मॉडुलस का स्क्वायर भी ओपन करेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड वन, इसको लिखते हैं जेड वन माइनस जेड टू और जेड वन बार माइनस जेड टू बार, राइट. तो ये तो हो जाएगा जेड वन मॉडुलस का स्क्वायर, एक आपका ओपन हो जाता है जेड टू मॉडुलस स्क्वायर, और एक होता है ये वाले Z2 Z1 बार Z2 Z1 बार Z2 बार Z1, ठीक है ना. तो ये भी चलता है. तो एक तो ये आ जाएगा स्क्वायर, राइट, एंड प्लस आपका अल्फा मॉडुलस अल्फा बार का स्क्वायर और जेड जीरो का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर ओपन कर दिया. एक हम जब लेंगे वैल्यूज को तो इस वैल्यू में ऐसा था कि 1 माइनस अल्फा बार जेड जीरो था, और इस पे जब बार लगेगा तो इस पे तो बार लगेगा नहीं, 1 माइनस अल्फा, सॉरी यहाँ पे बार नहीं है, एंड जेड जीरो बार आएगा. तो ये वाले पार्ट में हमें इनके होल स्क्वायर का ये वाला पार्ट मैंने ओपन कर दिया, रेस्ट जो सेकंड पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करना पेंडिंग है ना. तो वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो एक आएगा आपका माइनस का अल्फा बार जेड जीरो, अल्फा बार जेड जीरो आएगा, ठीक है, अल्फा बार जेड जीरो, और अल्फा जेड जीरो बार इंटू वन माइनस का अल्फा जेड जीरो बार, ये भी आएगा एक, और दोनों के होल स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिए. सिमिलरली हम इसको लिखेंगे, ये माइनस हो रहा है सो मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, प्लस जेड जीरो का स्क्वायर आएगा, राइट. और एक हम पार्ट जो लिखेंगे इसका, उसको हम ऐसा लिखते हैं, अल्फा माइनस जेड जीरो आएगा, और एक इसमें बार लगेगा गाइस, क्योंकि ये जब चीज ऐसे ओपन होती है तो बार लग के ओपन होती है, इसको टोटल ओपनिंग हम देना चाह रहे हैं. सो माइनस जेड जीरो बार, तो एक तो आएगा अल्फा, और इनके ये पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होने बाकी हैं. सो ये हमने कर लिया, अल्फा को इससे करना बाकी है. तो माइनस का अल्फा जेड जीरो बार, ठीक है, और दूसरा
ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का अल्फा बार जेड जीरो, ठीक है ना। तो जो मिडिल वाले पार्ट है दोनों, ये हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख चुके हैं और अल्फा बार इसको भी लिख चुके हैं, ठीक है। माइनस में ये दोनों आएंगे, ठीक है। ये माइनस कर दिया एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू फोर टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो स्लाइटली लेंथी पड़ता गाइस। अब अच्छा, इसमें से किस पार्ट को हम हटा सकते हैं? अल्फा बार जेड जीरो, अल्फा बार जेड जीरो, ये पूरा प्लस का होगा, ये माइनस का है, तो ये इससे कैंसिल हो जाना और ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाना, ठीक है। जो चीज बची है मैं उसको लिखता हूँ, सो दैट इज द वन प्लस, कैन वी राइट द वन प्लस, दिस इज द अल्फा, और इसको सिंपली अल्फा मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर लिख देंगे, मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर लिख देंगे, जेड जीरो स्क्वायर लिख देंगे, इसके साथ में प्रोडक्ट है, माइनस का अल्फा मॉडुलस स्क्वायर, अल्फा मॉडुलस स्क्वायर एंड माइनस जेड जीरो स्क्वायर, जेड जीरो मॉडुलस स्क्वायर लिख दिया मैंने, राइट। सो इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू दिस इज द फोर मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब हमारा काम ये है, एम ये है हमारा कि हम कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है इसको यूज करें और मॉडुलस ऑफ जेड जीरो स्क्वायर। सो वी हैव दिस रिजल्ट ऑल्सो, तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ लिखता हूँ साइड में एंड देन वी विल यूज दिस वन। व्हाई इट इज नीडेड? बिकॉज दिस इज, दिस वैल्यू इज गिवन, सो टू मॉडुलस ऑफ जेड जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज गिवन एट द आर स्क्वायर प्लस टू, आर स्क्वायर प्लस टू गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, वन माइनस अल्फा मॉडुलस स्क्वायर लिखा जा सकता है, और यहाँ पे अगर माइनस का कॉमन ले लें जेड जीरो स्क्वायर को, तो वन माइनस अल्फा मॉडुलस स्क्वायर ये भी आ जाएगा, इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू फोर अल्फा मॉडुलस स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर हम एक वर्कआउट कर लेंगे कि वन माइनस अल्फा मॉडुलस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा वन माइनस जेड जीरो मॉडुलस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज आर स्क्वायर इंटू फोर मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू प्लेस कर देते हैं इसकी, राइट, तो डिवाइडेड बाई टू इसको मॉडुलस जेड जीरो मॉडुलस स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ रख रहा हूँ, वन माइनस अल्फा मॉडुलस स्क्वायर। तो देखिए अल्टीमेटली जिस चीज पे हमें आना था, वैल्यू में मॉडुलस ऑफ अल्फा की निकालनी थी, तो ये एलिमिनेट होना चाहिए ऐसा वैल्यू प्लेस करने के बाद में। तो ये वैल्यू देगा आपको वन माइनस, वन माइनस, वन माइनस आर स्क्वायर प्लस टू बाय टू, राइट, ये वन है। तो अल्टीमेटली चलिए चेक करते हैं हम लोग कि ये चीज गायब होना चाहिए तो ही हमारा काम बनने वाला है। सो मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज टू माइनस टू, तो माइनस आर स्क्वायर बाई टू बचेगा, दिस इज आर स्क्वायर फोर अल्फा मॉडुलस स्क्वायर माइनस वन गाइस, राइट। तो ये आर स्क्वायर हम उड़ा देते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू खत्म हो गई, राइट। एंड वी कैन डू वन मोर थिंग, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो वी कैन राइट द दिस इज माइनस वन एंड प्लस का मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड टू को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एट मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड माइनस टू, और यू कैन राइट द फोर में से वन इधर सेवन जाएगा और ये बचेगा वन, तो वन इक्वल्स टू सेवन मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाय सेवन गाइस। सो अल्टीमेटली वी रीच टू द आंसर, मॉडुलस ऑफ अल्फा जो कि वैल्यू पूछी थी उसने, वो वैल्यू हो जाएगी वन बाय रूट सेवन। नाउ चेक द आंसर, दिस इज द वैल्यू गाइस। और ये मैं जैसा बोल रहा था इधर पहले जो थे क्वेश्चंस, हालांकि हमने 2010 से स्टार्ट किए, ठीक है, 2010 से स्टार्ट करें 2020 तक के क्वेश्चंस, लेकिन ये जो पैटर्न था ये वो पैटर्न था, जबकि जो जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो इसमें बहुत ज़्यादा आती थी क्वेश्चंस में। इवन ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2013 का है, इवन दो इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है। तो हमारा जो मॉडुलस ऑफ अल्फा का वैल्यू गाइस वो वन बाय रूट सेवन आ रहा है, सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट या, ठीक है। सो स्लाइटली लेंथी जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन।
सो गाइस दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी जेईई 2010 का, ठीक है। लेट जेड वन एंड जेड टू, मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इट इज मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो इट हैज द मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन आ दिया। जेड वन एंड जेड टू बी द टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड लेट जेड इक्वल्स टू 1 माइनस टी इंटू जेड वन प्लस टी जेड टू फॉर सम रियल टी, एंड वो जो टी लाए कर रहा है 0 टू 1 के बीच में। नाउ इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू डिनोट्स द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू, देन तो वो तो इस तरह से होता है, वो खाली आपको ये बता रहा है कि आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू मीन्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो इसमें बताना है कि कौन से ऑप्शन राइट जाएंगे गाइज। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वन बाय वन हम सारी चीजों को लेंगे समझेंगे। तो पहली चीज ये जो कि z दे रखा है, z इक्वल्स टू 1 माइनस टी जेड वन एंड प्लस टी जेड टू। अब यहाँ पे जो रेशियो है वो इस तरह से 1 माइनस टी और टी से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं इससे डिवाइड कर दूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 माइनस टी प्लस टी से, तो अल्टीमेटली डिवाइड तो हुआ नहीं है, ठीक है, वन आएगा नीचे। सो वी कैन राइट लाइक दिस, इस तरह से भी इस बात को समझ सकते हैं कि ये जेड वन है, जेड टू है, उसको एक जेड डिवाइड कर रहा है, तो वन माइनस टी इंटू जेड वन, तो वन माइनस टी रेशियो में इधर डालता हूँ और टी वाला रेशियो इधर डालता हूँ, तो ये जो जेड मुझे लिखना पड़ेगा, जेड यहाँ पे देखिए ये लिखा ही हुआ है, हालांकि फिर मैं यहाँ से देख के लिखता हूँ, तो दैट विल बी इक्वल्स टू टी जेड टू, टी जेड टू, टी जेड टू प्लस वन माइनस टी, वन माइनस टी इंटू जेड वन अपॉन सम ऑफ द रेशियो टी प्लस वन माइनस टी। तो ये वाली चीज सेम आ गई, बोथ आर सेम, तो इट मीन्स ये जेड वन, जेड और जेड टू ये तीनों कोलिनियर है और वो इस रेशियो में इसको डिवाइड कर, ठीक है ना। तो हम नंबर वन पॉइंट अब देखिए आंसर्स यहाँ से जो निकाल सकते हैं वो स्टार्ट करते हैं कि जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन का मॉडुलस लेंथ कर दिया, जेड माइनस जेड टू, जेड माइनस जेड टू का लेंथ इक्वल्स टू, दिस लेंथ इज इक्वल्स टू जेड वन माइनस जेड टू लेंथ, जेड वन माइनस जेड टू लेंथ, सो इट इज परफेक्टली ओके कि ये ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। दूसरी बात, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू, नो दिस इज नॉट देयर, बिकॉज इनका जो रेशियो है डिवाइड हो रहा है वो t और 1 माइनस टी के बीच में डिवाइड कर रहा है, तो दिस कैन नॉट बी रिटन एज राइट, ठीक है, उनके बीच में जो रेशियो है वो t और 1 माइनस टी के बीच में, ठीक है ना। एंड अनलेस एंड अदरवाइज ये हमें चेक करना पड़े कि अगर t की वैल्यू हाफ हो, t 1 बाई टू हो, तो उस केस में तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन t की वैल्यू 0 टू 1 के बीच में लाए कर रही है, सो वेरिंग नंबर है, तो ऐसे केस में हम परफेक्टली इसको राइट नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। अच्छा अब हम बात करें पहले इस डी ऑप्शन की तरफ देखें कि आर्ग्यूमेंट, बिकॉज दीज थ्री नंबर्स आर द कोलिनियर नंबर्स, तो जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन का आर्ग्यूमेंट, इसका जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस नंबर, सो बोथ आर, बिकॉज ऑल थ्री आर कोलिनियर, सो वी कैन राइट दिस वन, तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब हम बात करें इसकी, तो सीधी बात यह है कि अगर इस तरह से लिखा होता है तो जेड माइनस जेड वन और जेड टू माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन, तो वी कैन राइट द जेड मीन्स ये तीनों अगर को लीनियर हैं, ऐसे केस में आप एक काम कर सकते हो कि जो स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि जेड वन और जेड टू पॉइंट से पास होती है, तो उस स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन यही लिखते हैं। सो इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू जेड वन एंड जेड टू, टू पॉइंट फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन लिखते हैं वो इसी तरह से लिखते हैं, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, राइट, इक्वल्स टू इसी पूरे को कंजुगेट में लिख देंगे, जेड बार माइनस जेड वन बार डिवाइडेड बाय जेड टू बार माइनस जेड वन बार, इस तरह से भी लिखा जाता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
ये स्टेट टाइम की इक्वेशन हो और अगर वो उसको पूरे को देख रहे हैं कि ये फर्स्ट रो है ये वाली चीज और सेकंड रो में ये चीज प्लेस की हुई है, तो बिकॉज इसको जब हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे दिस इनटू दिस, सो इफ यू ये इस तरह से लिखा हुआ है, सपोज 1/2 इक्वल्स टू 3/4 इस तरह से लिखा हुआ है, सो आई कैन राइट द 1 into 4 इक्वल्स टू 2 into 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये चीज डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी पूरा लिखा हो और ये जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी राइट हो जाता है, बिकॉज ये इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा इस केस में, ठीक है। सो 1 into 4 माइनस का 2 into 3 विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये मैं आपको शॉर्ट में ऐसा इसको इस चीज को यहाँ दिखा रहा हूँ, तो ऐसा लिख सकते हैं। सो सिमिलरली जेड माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू z bar माइनस z1 bar डिवाइडेड बाय z2 bar माइनस z1 bar लिखा जा सकता है इक्वल्स टू जीरो। सो अगर ये चीज लिखी है तो ये भी चीज लिखी जा सकती है, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो, हेंस सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। इस तरह से सी ऑप्शन भी राइट हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे जो ऑप्शन है ए राइट है, सी राइट है और डी राइट है। These three options are correct into this. And ये particular question देख रहे हैं आप 2010 का है, ठीक है ना guys? So these are the questions guys. अब हम इसके बाद में this is going to the part for 52 और इसको मैं same चीज करूँगा कि जो complex number में 51 parts available है और आज की date में सारे part आपको सब nothing is private in my channel. Right? Even मैंने और चीज़ें place कर दी हैं कि उसमें जो थ्योरी मॉड्यूल्स हैं, सॉल्ड एग्जांपल्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें भी उसके साथ में प्लेस कर दी हैं, ठीक है। और एवरीथिंग इज पब्लिक नाउ, राइट। तो ये चीज़ आप ये पर्टिकुलर दिस इज गोइंग टू द पार्ट 52 और इसी तरह से हम 2010 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 52 में 51 तक ऑलरेडी अवेलेबल है एंड दिस विल गो इनटू द पार्ट 52 गाइस, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सेकंड पॉइंट उन स्टूडेंट्स को बताइए जो कि सिस्टमेटिक वे में सारे चैप्टर देखना चाहते हैं। सो दिस इज द परफेक्ट चैनल वेयर एवरीथिंग इज अवेलेबल इन सिस्टमेटिक फॉर्म फॉर द क्लास 11th एंड 12th।